சித்தானம், நமோ ஆரியானம், நமோ அச்சாயானம், நமோ லோயிஷாவிஷாவுனம். மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கோத்மோகணி, மங்களம் குந்தகுந்தாத்யோ ஜெயந்த தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வமங்கள் மங்களம், சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம், சர்வ தர்மானாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம். நம் யோனி ஜினம் வீரம் அனந்த வர்ணான தன்சன சாபம் போச்சாமி நியம் சாரம் கேவலி ஸ்ருதி கேவலி வணிதம். நமஹ ஷமே ஷாரா ஈஸ்வான் பூத்யா சகாஷ்தே சிஷோ பாபாய பாபாய சர்வபாவாந்தரச்சதே. ஷரிபாகி ஷாஷன் ஜெயவந்தி வருதே மிருக்ரந்தி ஷாஷன் ஜெயவந்து வருதே. அவிச்சின்ன ரேதாய மனு சரிபாகி சாசன் ஜெயவந்து வருதே. சாசன்நாயக் தேவாதிதேவ் மகாவீர் பகவானிக்கு, ஆச்சாரிய குந்த குந்த தேவோக்கு, ராமாயண வாலா பிரசங்க சுரு கரே ஜட்டாயு கா कि दूसरी कोई कथा लें, एक धन्य मुनराज की कथा है जिनको बियावान जंगल में अनेक उपसर्गों के बीच में जिन्होंने साधना करी। एक वृषभ सेन मुनराज की कथा है, अभी आप कोई चॉइस करना, मैं नहीं कर पा रहा। जटायु चलो। पक्षी हुआ श्रावक महिमा गायक की भाई श्रद्धो भाओ द्याओ गायक परमानंद दाई। लेन दूसरी बदल गई आज, क्या बोलना है आपको? श्रद्धो भाओ द्याओ गायक परमानंद दाई, श्रद्धो भाओ द्याओ गायक परमानंद दाई। सुनो जी मंगल जैनी पुरा याशो जीवन बने महान। पक्षी श्रावक हो गया, पद्म पुराण जी का वचनिका का मूल शब्द है। पंडित जी साहब कहते हैं कि पक्षी श्रावक हो गया, उस पक्षी ने क्या देख लिया जो श्रावक हो गया? श्रावक श्रावक ना हो पाया, हो पाए अर्थात श्रावक कुल में भी श्रावक नाम भले पारा पर श्रावक ना हो पाए जब तक गायक को ना भाए। भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण करने वाले ही श्रावक हैं। श्रद्धो भाओ ध्याओ किसको? अपने आत्मा को। आत्मा ध्याने लायक है, परमागम नियम सार विराजमान है, परम भक्ति अधिकार में एक श्लोक आता है, कलश आता है,
आचार्य देव कहते हैं कि उसकी परिणति में सुंदर आनंद जराता तत्व प्रकट होता है। तत्व प्रकट होता है, कैसा तत्व प्रकट होता है? सुंदर आनंद को जराता तत्व प्रकट होता है। किसको प्रकट होता है वह तत्व? तत्व आनंदमय है और वह तत्व आनंद को जराता हुआ प्रकट होता है। आनंदमय तत्व आनंद को जराता हुआ प्रकट होता है। मिश्री है ना, मिश्री तो मिश्री जब प्रकट होगी तो जो वस्तु है उसको मीठी कर देगी। ऐसे तेरी परिणति को आनंदमय करते हुए प्रकट होता है। आनंदमय है तो आनंदमय करता हुआ प्रकट होता है। पर नियम सार जी में शर्त दी है, भगवान आत्मा आनंदकारी तत्व, परमानंदमयी तत्व किसको प्रकट होता है? कि इंद्रियों की लोलुपता को छोड़ करके जो तत्व लोलुपी हुए हैं। क्या बोला है उस कलश में? तत्व लोलुपी हुए हैं, तत्व के लोभी हुए हैं, तत्व को चाहते हैं। लोलुपी शब्द लोलुपी जानते हैं, उसके अर्थ जितने करेंगे वो उसका भाव नहीं आ पाएगा। ये तो इस इंद्री का लोलुपी है, समझ गया ना, रसनेन्द्री का लोलुपी। कुछ भी हो उसको मिठास चाहिए। ऐसे ही तत्व लोलुपी मानो जिसको अपना परमात्मा की जिज्ञासा है, चाय है, रस है, एक परमात्मा का रस है, और इंद्री की लोलुपता जिसकी नष्ट हो गई है। दो शब्द दिए हैं, कौन कौन से? इंद्री की लोलुपता नष्ट हो गई है और तत्व का लोलुपी हुआ है। उसको क्या होता है? उसकी परिणति में सुंदर आनंद जराता तत्व प्रकट होता है। भाव क्या कहना चाह रहे? कि तुझे यदि तत्व प्रकट करना है, तुझे यदि तेरा परमेश्वर को प्रकट पर्याय में दर्शन करना है, तुझे यदि मर्मानंद का वेदन करना है, तो तू इंद्रिय की लोलुपता छोड़ो, तत्व का लोलुपी हो, जिज्ञासु हो। आचार्य कहते हैं तत्व को तू अली सन, मर पच के भी तत्व का कोतूहली हो जा। मरण पर्यंत पीड़ा भी होती हो तो होने दे, पर तू तो एक का दुनिया बन जा। तो आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का मैं आचरण किया तो पक्षी भी श्रावक हो गया। कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में राज रहे। कहां पर थे? दंडक वन की कथा है। उस समय श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और दंडक वन का ये कथन चल रहा था उस समय। श्री राम सीता लक्ष्मण दंडक वन में राज रहे। मिट्टी के बर्तनों में देखो भोजन बना रहे। किस में भोजन चल रहा था? वन भाई मिट्टी के बर्तनों में। पुण्य पाप की लक विचित्रता चेतोरे भाई,
श्रद्धो वाओ द्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। सुनो जी मंगल जैन उरा याशो जीवन बने। मिट्टी के बर्तनों में भोजन बन रहा था, तुम्हारे घर में काय के बर्तनों में बनता है? मिट्टी के बर्तनों में या तो बाहर का कथन करने जा रहे हैं कि पुण्य पाप की विचित्रता को तो देखो। आज राजकुमार अयोध्या के वासी उस कुटिया में मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना रहे हैं, लेकिन अध्यात्म कथन करें, वस्तु स्वरूप को देखें तो वह सोना और चांदी भी क्या है, मिट्टी है कि नहीं है? सर्वे जाना पुद्गल एक स्वभाव जो, चाहे तो हीरा हो जवाहरात हो सोना हो कि चांदी हो स्टील और पीतल की तो बात ही क्या कहे, सब में एक पुद्गल व्याप्ता है, मिट्टी व्याप रही है। लगता है हमको कि हमारे बर्तन इसके हैं, पर वास्तव में किसके हैं? अरे रे प्रभु, बर्तन मिट्टी के हैं। और सुनो, तुम्हारा बर्तन भी मिट्टी में है, बर्तन मिट्टी के हैं। बर्तन समझ में आए? एक तो अपने एक बर्तन परिणमन किस में हो रहा है? मिट्टी में हो रहा है। ये पुण्य पाप के भावों को मिट्टी कहते हैं आचार्य सूक्ष्मता में। तो ये काया काय की है, ये तो लोक में भी कहा जाता है मिट्टी की काया मिट्टी में। बोलो भाई, ये देख रहे हो, चल रहे हो, जो कुछ हो रहा है सब किस में हो रहा है? मां मिट्टी में। अरे लेकिन मिट्टी को उसे भिन्न नहीं देखता है। आश्चर्य की बात है कि वो ग्वाले ने तो मिट्टी में से भगवान निकाल लिए थे और हम मिट्टी में से भगवान नहीं निकाल पाते। कौन सा ग्वाला? महावीर जी का। कैसे निकाला था, क्या देखा था उसने? छुप करके देखा कि मेरी गाय का दूध कौन चुरा लेता है। कथानक है ना, देख रहा है दूर से, उसको आश्चर्य होने लगा। क्या आश्चर्य होने लगा? कि मिट्टी का टीला दूध कैसे पी रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मिट्टी दूध कैसे पी रही है। तुम्हें आश्चर्य नहीं लगता है कि मिट्टी कैसे बोल रही है? जब ये मिट्टी है तो बोल कैसे रही है, जान कैसे रही है? वो भोले ग्वाले को तो चमत्कार लगने लगा। क्या चमत्कार लगने लगा था? कि मिट्टी दूध कैसे बोल रही है, पी रही है। ऐसे आपको चमत्कार नहीं लगता है क्या? मिट्टी में कोई जाननपना कहां से आ गया? यहां इस मिट्टी में कोई देवता है, चटीले में कोई देवता है, ऐसी इस मिट्टी में कोई देवता है। और क्या प्रतिज्ञा करी कि अब तो उस देवता के दर्शन करूंगा। फावड़ा ले आया और खोदने लगा, ऐसी आ मिट्टी में कोई भगवान है। और कब तक खोदता रहा? बोलो भाई, खोदता रहा, सब कार्य छोड़कर, भोजन एक तरफ रखा रहा, पानी एक तरफ रखा रहा, और खोदता गया और मिट्टी को हटाता गया और भगवान प्रकट हो गए। मिट्टी को हटाते फिर भावड़ा फेंका, फिर क्या चलाया? हाथ चलाए और सूक्ष्म उपयोग किया। ऐसे नौ कर्म मतलब शरीर, ये क्या है? मिट्टी। द्रव्य कर्म क्या है? बोलो भाई,
अब दोनों बात हम बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञान वर्ण आदि क्या है और पुण्य पाप के भाव है भी क्या है, प्रज्ञा रूपी छेनी से ज्ञानी खोदता जाता है, खोदता 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 अंत में सूक्ष्म प्रयोग करके नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव है। और आत्म स्वभाव को जाना, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं पूर्णानंद की खान हूँ, ये विकल्पों से भी हटा, चिन्ह मात्र वासने लगा, अपने में निमग्न हो गया, सिद्धो जैसे आनंद का पान होने लगा, मिट्टी में भगवान प्रकट हो गए। मिट्टी में से भगवान प्रकट हो गए, किसको प्रकट हो गए, जिसने मिट्टी में भगवान देख लिया था। मुझे तो थोड़ा भैया नियम सार जी विराजमान है, और हमें भगवान बनना है कि नहीं बनना। जिसने भगवान को देखा, और विचार करो पहले उस टीले पर गाये अपनी गंदगी करती थी, वृक्ष खड़े थे, अब वो टीला क्या हो गया बोलो। अरे तमाम उदाहरण तो समझो दो कम से कम। हम भूल नहीं रहे, मत सोचो कि भैया जी भूल रहे, भूल नहीं रहे, हमें आपसे बुलवाने उदाहरण। पहले वो मिट्टी का टीला था, गंदगियां थी, झाड़ी खड़ी थी, झाड़ियां खड़ी थी, नीचे भगवान थे, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो वो क्या हो गया। ऐसे ही है, पुण्य पाप की गंदगियां पड़ रही हैं, कर्मों की झाड़ियां खड़ी हैं, नाना स्थितियां बनी हैं, आ भगवान प्रकट होगा तो आप परिणति मंदिर हो जाएगी। आओ भाई क्यों, यहाँ चमत्कारी देवता विराजमान है, जैसे ग्वाले को लगाता है यहाँ कोई चमत्कारी है, ऐसे ही है। अरे मिट्टी की काया भी चिन्ह में भिन्न अति, शुभा शुभ की जड़ता तो दूर पराया ज्ञानी। भगवान आत्मा परमानंद की खान है, परम तृप्त परमात्मा, भगवान का भगवान, गुरुओं का गुरु, ऐसा परमेश्वर। आज चतुर्दशी का दिन है, पंडित जी कहते हैं 14 गुणस्थान से पार देखने का दिन। चतुर्दशी का दिन अष्टमी का दिवस अर्थात अष्ट कर्म से रहे देखने का दिवस। आज तो अवक्ष त्याग का दिन नहीं है, हम का कह रहे हैं, पंडित जी ने कही थी अवक्ष त्याग को दिन नहीं है, चलो जल्दी से चले मत जाना, अवक्ष त्याग का दिन नहीं है, क्योंकि अवक्ष का सेवन तो श्रावक करता ही नहीं है, भक्ष का त्याग का दिन है। आज जमी कंदोरी उल्टी सीजन के त्याग के दिन नहीं है, आज तो लौकी के भी त्याग का दिन है, जो हरी लेते हैं लेनी पड़ती है उसके भी त्याग का दिन है। आज पाप के त्याग का दिन नहीं है, देखो भाई अधूरे भाग के बाद नोट करके चले जा रहे, आज तो पुण्य भाव से भी ऊंचा उठकर शुद्धोपयोगी होने का दिन है। आज तो श्रावक चैतन्य 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 के अतिरिक्त उपवास आदि क्यों धारण करते हैं, जिससे किसी से वार्ता ही नहीं करना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, कहीं ना उठना पड़े। ये दम्मी रदो निच्चो संदुट्टी और निच्च में दम्मी ये देण हो तो भगवान आत्मा में रति तृप्ति और संतुष्टि है, तृप्त रहने के लिए, अपने में निमग्न रहने के लिए कार्य। मिट्टी के बर्तनों में भोजन बन रहा, आचार्य कहते हैं भैया उनका तो मिट्टी के बर्तनों में भोजन बन रहा था, मिट्टी का बर्तन बने, लेकिन तेरा तो निरंतर मिट्टी में ही भोजन हो रहा है, तेरा तो मिट्टी का ही भोजन हो रहा है। क्यों भैया, मिट्टी तो नहीं खाते हो, नमी नमी ना है ना, तो बड़े हो गए बच्चे हो तो मिट्टी खाए, तो मिट्टी का भोजन तो नहीं करते हो, बोलो भैया। कहते हैं बड़े हो गए तो भी मिट्टी खा रहे हो, क्यों सूक्ष्म बात करे, ये पुण्य पाप के भावों का सेवन कर रहे हो, मिट्टी का सेवन कर रहे हो, इतना ही होता है। जितनी जो बहिर्मुखी वृत्ति हमारी है वो सब मिट्टी में वर्तन है, आचार्य कहते हैं।
इनके बर्तन मिट्टी के थे, हमारा तो बर्तन भी मिट्टी में। और उसी समय क्या होता आगे की घटना, जवार का हुआ समय सीता ने दिया आवाज, बिन पात्र दान के भोजन करने में आती है लाज। माता सीता ने अंदर से आवाज दी है, स्वामी आहार का भोजन का समय हो गया है, पधारो। लक्ष्मण जी आए, भैया भोजन के लिए पधारिए। तो रामचंद्र जी ऐसी निगाह करके बैठ गए, श्री राम की आंखों से अश्रु बहते दुखदाई, श्रद्धो वाओ द्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। श्री रामचंद्र जी की आंखों से अश्रु झरने लगे। क्यों झरने लगे, नहीं आ रही आपको समझ में, क्या कारण था रामचंद्र जी की आंखों से अश्रु झरने लगे। बिन पात्र दान के श्रावक लेते नहीं यार, पात्र दान बिन भोजन उनको लागे अति दुख का, मानो पुत्र की मृत्यु हुई इतना दुख पाते भाई, श्रद्धो बाओ द्याओ ज्ञायक पर। पद्मनंदी स्वामी कहते हैं पात्र दान बिना श्रावक भोजन करे नहीं, पात्र दान बिना यदि उसको भोजन करना पड़े तो इतना दुख होता है मानो उसका पुत्र का वियोग हो गया। उत्तम पात्र दिगंबर मुनिराज, मध्यम पात्र देशव्रती श्रावक, जगन पात्र अपने साधर्मी जन, कदाचित इनका योग ना भी बने तो करुणा दान दे ही भोजन करे, पर बिना दान दिए भोजन भाव की अशुद्धि है, भाव अशुद्धि है वो। श्रावक पहले का जमाना तो ऐसा था, अपने घरों में कोई भोजन करते ही नहीं थे। क्या बात करते हो कि हाँ ये दादाजी आए, इनको ले गए, विभिन्न को ले गए, तुम्हारा भोजन इनके घर हो रहा है, इनका भोजन साधर्मी साधर्मियों का। पंडित साहब मोखिया कहीं की घटना बताते हैं कि एक दादा ऐसी उनकी आदत ही थी, कोई ना कोई जो साधर्मी मिला उनको ले जाते थे, कहते थे भैया हमारा तो नियम है जब तक कोई पात्र नहीं मिलेगा हम भोजन कैसे ग्रहण करेंगे। हम कहते हैं हमें पात्र नहीं मिलते, ज्ञानी कहते हैं तुम पात्र देखते नहीं हो। जगन पात्र साधर्मी जन है, हमारा भोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि पात्र दान को हमें सोचना ना पड़े। लक्ष्मण रामचंद्र जी की आंखों से अश्रु झर रहे थे। तभी बोली सीता, स्वामी जब आंखों से अश्रु झरने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, भैया आप दुखी हो रहे हो, मैं जानता हूं भैया आंखों में आंसू क्यों आ रही हैं, कि लक्ष्मण अयोध्या की याद आ गई, अयोध्या की याद आ गई। हाँ भैया यहाँ ऐसा भोजन बनाना पड़ता है, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बन रहा है, लेकिन भैया आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद अपन भुजबल से राज्य तैयार कराएंगे और आप शांति से राज्य करना भैया। बड़े दुख की बात है भैया कि आज आपको मुझे मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोसना पड़ेगा। कि रे लक्ष्मण तू राम का हृदय होकर के राम के हृदय को नहीं जानता, राम का हृदय मिट्टी और सोने के चांदियों के भोजन में करने में कोई वो नहीं है, अरे सब मिट्टी है। लेकिन लक्ष्मण अयोध्या का वैभव याद आ गया मुझे, फिर याद आई, फिर दिक्कत आ गई। अयोध्या का वैभव अर्थात क्या, महल है वो, उस प्रकार के उसमें बैठकर भोजन करना,
वो पंखे हो रहे हैं उस प्रकार का, वो सब उत्तम उत्तम भोजन, उत्तम उत्तम बर्तन। मेरे कहने लगा हाँ भैया यही तो मैं कह रहा हूँ, अरे अयोध्या का वैभव ही नहीं था, अयोध्या का वैभव था जंगलवासी संतों को हार करा करके हार ग्रहण करते थे। जब वे चैतन्य विहारी मुनराज भगवान आत्मा में कीड़ा करने वाले दिगंबर योगी छठा साता जिनका गुणस्थान हुआ करता है करणान योग कहता है, सहज पने जिनके 28 मूल गुण हुआ करते हैं, जो प्रथमान योग के महापुरुष रहा करते हैं, भगवान आत्मा में रमी हुई कीड़ा प्रचुर स्वय संवेदन जिनकी मोहर छाप है, ऐसे दिगंबर साधो जो चलते फिरते सिद्ध है उनके दर्शन का योग बनता था। उनको हार करा करके और वो नहीं मिलते तो देश वृत्ति और सादर मित योग करा करके ही भोजन पात्र दान बिना आज तक भैया किया नहीं है। आंसू झरने लगे, अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि फलीभूत ना हो तो ब्रह्मांड को सुना होना पड़ेगा। भैया पीछे आने वालों कौन सी कथा सुना रहे हैं? जटायु पक्षी का नाम सुना है ना रामायण में पद्म पुराण में, और जटायु पक्षी की कथा सुना रहे हैं। आहार दान चल का प्रसंग का पूर्व है, श्री रामचंद्र जी आहार की तैयारियां चल रही हैं और रामचंद्र जी की आंखों में आंसू हैं। देखो अंदर की भावना होगी तो पात्र भी मिल जाएंगे, पात्रता हो तो पात्र मिल जाए, पर हमारी पात्रता नहीं है, विनय भक्ति नहीं है तो पात्र कहां से मिले। क्या हुआ आगे? तभी बोली सीता, देखो भैया जिसके थोड़ी तकलीफ होना बैठने में धूप वगैरह की, आगे जगह है आगे आके बैठ जाना, और थोड़े से भाई लोग आगे बैठ जा, किसी किसी को तकलीफ रहती धूप उस पे आने लगती है, और हमारे पंडित जी साहब कहते साधर्मियों के प्रति धर्मानुराग रखना चाहिए। तभी सीता बोली स्वामी देखो आए मुनराज, हुए प्रसन्न श्री रामचंद्र जी पड़ गए मुनिरा। उसी समय आकाश मार्ग से यहां का प्रसंग नहीं है, उसी समय दो मुनराज रिद्धिधारी मुनराज चले आ रहे हैं, देखो मुनराज आ रहे हैं। और उनका नियम था, क्या नियम था? जंगल में हार कौन करने जाए, हार के लिए तो नगर में ही जाते थे ना, तो नियम था, बोलो क्या नियम था? कि कोई राजकुमार होगा, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना होगा, जंगल में होगा तो हार ग्रहण करेंगे, नगर में नहीं जाएंगे। विधि बन गई कि नहीं बन गई? हैं? तभी बोली सीता स्वामी देखो आए मुनिराज, हुए प्रसन्न श्री रामचंद्र जी पड़ गए मुनिराज, जैसी भावन वैसाई पल मिलता है भाई, श्रद्धा भाव द्याओ गायक परमानंद दाई, सुनो जी मंगल जैनपुरा नवदा भक्ति से देते हैं वो श्री गुरुओं को हार, नवदा भक्ति पूर्वक मुनिवर आज मेरी मतलब कुटिया ही है, पूरी व्यवस्था है कुटिया जैसी, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर मेरी कुटिया में आए। महा मुनराज मानो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा आए हैं, नियम सार में चरी आज निकी, समय सार में व्रति जिनकी, साक्षात सिद्ध प्रभु आज आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं।
તમારા વજન તમે યાદ હે આત્રો વાત્રો તિષ્ટો તિષ્ટો બડે ઉલ્લાસ કે ઉર્વા રોમ રોમ પુલકિત હો રહા હૈ ઉલ્લાસ આનંદ છા રહા હૈ ઓર ક્યા હોતા હૈ કૈસા કાં ક્યો આકંચન કાં ગયા હા ક્યા હો રહા હૈ આર કોન કા મનરાજ કા કોન કરા રહા હૈ હા શ્રી રામચંદ્રજી લક્ષ્મણજી નવિદા ભક્તિ સે દેતે હૈ વો શ્રી ગુરુઓ કો આર ધન્ય દશાઇન સી અંબી પાએ કવ સુખકાર મુનિ બનને કી શિક્ષા શ્રાવક મુનિ દાન સો લેતે હૈ શ્રદ્ધો વાઓ ધ્યાઓ ગાયક પરમાનંદ દાઈ સુનો જી મંગલ જૈની ભક્તિ પૂર્વક અંજલિ મે રખે આર સે અતિ વિરાગ કૈસે હૈ મુનિ બે રાજકુમાર બે રાજા રામચંદ્રજી આર દે રહે હૈ બડે ભક્તિ સો સીતાજી ગ્રાસ બના કરકે શોધ કરકે લક્ષ્મણજી કો દે રહી હૈ લક્ષ્મણજી શ્રી રામચંદ્રજી કો દે રહે હૈ ઓર રામચંદ્રજી મનોરાજ કો દે રહે હૈ ઓર મનોરાજ શરીર કો દે રહે હૈ ઓર અપને મે જ્ઞાન અમૃત કા પાન કર રહે હૈ એસા દે રહે હૈ માનો જૈસે કિસી દૂસરે કો દે રહે હો કોઈ પકડ મે આયા કે નહીં આયા હાર દે રહે હૈ શોધ શોધ કે દે રહે હૈ ઓર મનોરાજ ક્યા કર રહે હૈ સોદે હુએ કો સોધ રહે ક્યો સૌરભ ભાઈ વિશ્વાસ નહીં હૈ મહારાજજી કો મહારાજજી હમને દેખ કે દિયા હૈ અબ વિકલ્પ મત કરો કઈ બાર હમ લોગ દેખને લગતે હૈ ના તો બહેને માતાએ કહેને લગતી ભૈયા યે દેખ કે દિયા હૈ દેખ કે દિયા હૈ અરે આપને અપને હિસાબ સે દેખા હૈ હમારા કર્તવ્ય સ્વયં દેખને કા હૈ ઉસ સમય તત્કાલ કોઈ જીવ આ જાય તો આપ ક્યા કરોગે તો સોદે હુએ કો સોધતે હૈ શોધ કરકે દિયા ઉસકો ભી શોધતે હૈ નિકાલો કુછ સોદે કો શોધતે હૈ શ્રાવકાચાર્ય ને શોધ કર દિયા સમયસાર ઉસકો ભી શોધતા હૈ આદમ ને શોધ કર 6 દ્રવ્ય દિયે ઓર અધ્યાત્મ ને શોધ કર એક હી હૈ નવ પદાર્થ દિયે ઓર અધ્યાત્મ ને શોધે મે સે શોધા પર ધ્યાન રખના આગમ બિના અધ્યાત્મ નહીં હોગા અર્થાત આપ નહીં શોધોગે ઓર બિના શોધા રખ દોગે અંતરાય હો જાયેગા શ્રાવકાચાર કે સ્વાધ્યાય બિના સમયસાર લેકર બેઠ જાયેગા તો અંતરાય હો જાયેગા આગમ બિના અધ્યાત્મ કો પડેગા તો અંતરાય હો જાયેગા અર્થાત ગાયક કો નહીં પકડ પાયેગા કહેને લગેગા એક હૈ એક હૈ એક હૈ તો એક તો વો ભી કહે રહે ટોડરવલજી તો કહેતે ધ્રુવ હૈ ધ્રુવ હૈ એક હૈ કૂટસ્થ હૈ પર્યાય હૈ નહીં હૈ અગર એ તો વો ભી કહે રહે કૂટસ્થ હૈ ધ્રુવ હૈ તો તુમ્હારા મત ઉન્હે અચ્છા લગને લગતા હૈ ઉનકી માન્યતા તુમ્હે અચ્છી લગને લગતી હૈ ગ્રીત મિથ્યાત્ હો જાતા હૈ અગર આગમ બિના અધ્યાત્મ પડને જાયેગા સીધા અનિયમ સાર કી તો બહુત બાદ કી સીડી હૈ સમય સાર કે બાદ મે નિયમ સાર હૈ નહીં તો કોણ પકડ પાય કે ભગવાન આત્મા કે લીએ આત્મા ઉપાદે યાની મોક્ષ કી નિર્મલ પર્યાય ભી ઉપાદે નહીં હૈ યે વાત કહેને વાલે ઇસ નિયમ સાર મે તો મનરાજ શ્રી શોધ કરકે આહાર ગ્રહણ કર રહે હૈ ઓર અંદર મે ક્યા કર રહે હૈ બાઈ ઓર મે વેદ જ્ઞાન લેસ નહીં આસા જ્ઞાન અમૃત ભોજી શ્રી મુનિવર આનંદ વરસાતે ભાઈ શ્રદ્ધો વાઓ ધ્યાઓ ગાયક પરમાનંદ દાઈ સુનો જી અભી અપને કથાનાયક કી કથા તો શરૂ નહીં ભાઈ અપના કથાનાયક કોણ હૈ શ્રી રામચંદ્રજી નહીં ઇસ કથા કે નાયક અભી રામચંદ્ર જી તો જબ પૂરા પ્રાણ પડેંગે તબ હોંગે અભી તો અપના મુખ્ય જો જો હૈ જિસકો સુનાના હૈ વો હૈ જટાયુ પક્ષી ગિદ્ધ પક્ષી ભાઈ ક્યા કર રહા થા વો અપન શરૂ કરતે હૈ
देख राता गिद्धे पक्षी वृक्ष पर बैठा, दूर वृक्ष पर बैठा था और देख रहा था। क्या देख रहा था? मनराज का हार। दृष्टि चली गई मनराज को, देखा और देखते ही उसको लगा कि अरे ये तो मैंने कहीं देखे हैं। किनको देखा? मनराज हार ले रहे, और याद आने लगा उसको कि इनको तो मैंने पहले कहीं देखा है। मांसाहारी गिद्ध है, गिद्ध है, क्रूर ऐसा पक्षी ने दिगंबर मुनराजों को, गुरुओं को, भगवंतों को भक्ति से देखे तो उसकी परिणति पलटे बिना रहे ना। जो भगवान को देखे और दुख से देख ले कभी नहीं होगा भाई। अगर विपदाएं तुझे देख रही हैं, दुख तुझे देख रहे हैं, तो समय तूने भगवान को नहीं देखा, गुरुओं को नहीं देखा, इन शास्त्रों को नहीं देखा। देखा होता तो ये विपदाएं छूती ही नहीं। ऐसे देख रहा है तब तब क्या देखा क्या? हाँ मैंने तो देखा इनको, और देखा क्या है? मैं तो पूर्व भाव में कौन था? ये गिद्ध नहीं था। ये गिद्ध की परे आई तो ये विराधना का फल है। मैंने इन्हीं मुनराज की विराधना करी थी। मैं तो इस दंडक वन का नहीं, यह दंडक तो बड़ा राज्य था। हाँ मैं तो इस राज का राजा था, दंडक राजा। मेरे नाम से ही है प्रसिद्ध था राज। और कैसा क्रूर था मैं उस काल। पहले तो मैं इन दिगंबर मुनियों से प्रभावित हो गया, पर उस भांड ने और रानी के साथ कुछ इष्टाएं करी। जब राजा था ना, ये प्रभावित हो गया मुनिराज को देख करके। मुनिराज का उपसर्ग दूर, मुनिराज कोई सर्प डाल गया और हटाया नहीं। बाद में देखा मुनियों की समता देख करके प्रभावित हो गया था। मैंने सोचा था अब ये धर्म को नहीं अपनाऊंगा, मैं जैन धर्म को स्वीकार करूंगा। वो रानी दूसरे मत की थी। उसने अपने गुरु से कहा कि तुम दिगंबर मुनि की अवस्था में आकर के मेरे साथ में शील विरुद्ध चेष्टाएं करना। मुनि का वेश धारण करके वह आया और राज कुछ ऐसी चेष्टाएं करने लगा। रानी घबराई, देखो महाराज तुम्हारी जिनसे तुम प्रभावित हो रहे हो उनकी अवस्था हो। आगे देखा ना पीछे देखा, ना द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का कुछ भी विचार नहीं किया, और बिना विचार करे निर्णय ले चुका। टोडरमल जी के प्रसंग में भी हमने आपसे कहा था, वो राजा बाद में पछताया इतिहास कहता है। इसलिए तो उसने बाद में अपने जैन को दीवान के रूप में रखा, लेकिन उस समय कुछ विचार नहीं कर पाया। इसीलिए आपसे कहते हैं भैया, कसायों में कभी विवेक नहीं होता, विचार नहीं होता, कसायों में कभी कोई निर्णय मत लेना, मौन हो जाना, उस समय शांतता से विचार करना। एक विवेकी राजा का भी उदाहरण आता है, वो अविवेकी था लेकिन मंत्रियों ने सलाह दी तो उस मान गया था। शील कथा में सुना है, सुखानंद कुमार जब विदेश गए, और विदेश गए तो सुखानंद कुमार तो कोई अद्भुत रूप उनका, राजा को भेंट देने गए तो इतना सुंदर रूप, ऐसा लग रहा कोई काम देव आ गया हो। तो विदेश की सभा भी उनके आदर में एकदम खड़ी हो गई। राजा से भेंट देने गए थे। वहां क्या लिखा है कथाकार ने, पुण्यवंत नर जा जा जाए ता ता आदर ओए सवाए। कुमार को देख करके वो दूती देख रही थी, उसने रानी से जाकर कहा कि रानी सुनो, एक आज सेठ पुत्र आया है तुम्हारे राजकुमार, और राजा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसका रूप तो देखो। पंडित जी साहब कहते हैं रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे हैं। ये दिखाने की कोशिश मत करना भाई,
ये रत्नों को संभाल करके रखते हैं तो सील रूपी रत्न को संभाल कर क्यों नहीं रखते हो? अगर हमारे पास में रत्न है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कपड़ों में छिपा छिपू कर रख लेते हैं, कोई पहचान ही ना पाए हैं। जो काम करते हैं ना ऐसा, वे कैसे जाते हैं अपने वो सामान लेकर के दिखावा करते हैं क्या? क्यों भैया है, वो सोना लेकर के जा रहे हो तो कैसे सामान्य बेसबूज ऐसे कबा में रखोगे कोई समझ ना पाए? ऐसे ही जैसे वो धन की रक्षा करते ऐसे शील की रक्षा करना चाहिए। रानी ने कहा बुला के लाओ, राजमहल में कह लेना रानी याद करनी है। अब शाम समझ नहीं पाए, लेकिन मर्यादा ये है कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। सोचा महारानी ने याद किया चलते हैं, और कुछ भेंट लेकर के चले गए, जाकर भेंट दी वहार दिया। उसने भी बुलाया था स्वर्णकार को, तो वो हार दिए, कपड़े दिए, वस्त्र दिए। सोचा माता है दे रही है तो ले लेना चाहिए। और उसके बाद में जो खोटा प्रस्ताव था शील विरुद्ध रख दिया। बोले जैसे माता वस्त्र देती थी, जैसे माता गहने धारण कराती थी बचपन में, ऐसी तुमने दिया, मेरी माँ हो इस पुत्र के लिए। मैं ये माता, हे माता, पुत्र समझकर जो आज्ञा देना है वो दो, पुत्र के लायक जो आज्ञा होगी उसके लिए मैं प्राण भी दे करके निछावर कर दूंगा। और माता कहा सो एकदम वो खड़ी रह गई, जल्दी से घबराए और भाग करके निकल गए। बाद में राजा के दरबार में अपना वो सिंगार वैसा किया, और सेठ पुत्र आया हो मेरे उसमें चला गया राजमहल में, और मैं तो सीलबंद थी, मुश्किल से अपना सील बचाया, हे महाराज मेरी रक्षा करो। राजा को गुस्सा आया, पकड़ के लाओ सेठ पुत्र को और फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री बोले महाराज बहुत जल्दी निर्णय नहीं करना चाहिए, भाई तो देखने से ऐसा लग रहा था उत्तम कुल का है, उत्तम कुल के लोग सील का नियम से पालन करने वाले हुआ करते हैं, आपको जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसके साथ 500 सोवट हैं, युद्ध होगा और मारा भी गया, बाद में अपकीर्ति होगी, एक बार उसको बुलाकर पूछो। हम अचानक पहले दिन ही आया रानी के महल में, ऐसा चला जाए कैसी हिम्मत हो सकती है? बुलाया, वो तो समझ गया वापस आने वाली है, फांसी तो मिलेगी, सील तो नहीं गया है। अभी तो सतियों की सुना रहे, महापुरुषों के भी ऐसी कथा है भाई। सोचा जो होगा ते होगा, 500 सोवट। बोले महाराज कुमार जी आपको बाद में फांसी चढ़ेगी, पहले हमको चढ़ेगी। सब पहुंच गए, राजा ने आदर दिया, बिठाया, पूछा कुंवर महल में क्यों गए थे, हम तुमसे पूछना चाहते, जो सत्य घटना है भाई वो सुना दो, मुझे सत्य बहुत प्रिय लगता, तुम्हारा जो अपराध होगा यथायोग्य दंड देंगे, लेकिन सत्य बताओ पहले। महाराज आप खूब दंड देना, मेरा जो अपराध है सो मैं बताता हूं, मेरा तो अपराध कोई ज्यादा नहीं, इतना ही अपराध समझ लो कि माता के सामने जैसे बालक अकेला चला जाता है वैसा मैं अकेला चला गया। आप हमारे महाराज हो, वो हमारी माता है, अकेले चले गए, क्यों? बुलाया था, दूती बुलाने के लिए आई थी कि माता याद कर रही हैं, और माता याद करे और पुत्र ना जाए, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भेंट लेकर के गया, रानी ने गहने दिए, ये वस्त्र दिए, सब बताए, स्वर्णकार को बुलवाया, ये गहने कहा महाराज मैंने बनाए, ये सब वस्त्र, समझ गए, ये तो कुछ कहा ही नहीं कि गहने दिए और उसके बाद जो कहा महाराज वो मैं शब्दों से नहीं कह सकता, मैं माता कह करके भागा। ओहो, राजा ने कहा इतनी मायाचार, रानी को देश निकलवा, जो भी हुआ वहां। उसके बाद राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और जान तो क्या बोला, मैं तुम जैसे शीलवंत पुरुष से बहुत कुमार से प्रसन्न हूं, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूं, मेरी राजकुमारी तुम्हें पाकर धन्य हो जाएगी, मेरी राज संपदा तुम्हें प्राप्त करके धन्य हो जाएगी, इसलिए मैं राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूं। बड़ा अच्छा प्रसंग है, रानी को
हम माता कई शो तो बहने हमारी भाई। आका नाम सील है भाई, जल्दी जल्दी में माता कही थी और क्या संबंध निकाला। अरे रे भाई, रानी को हम माता कही सो तो बहन हमारी भाई। हमने नहीं लिखा भैया, पढ़ना पुराण में लिखा है सील कथा। और बड़े ऐसी प्रशंसा करी, धन्य तेरा कुल, धन्य तेरे पुत्र, धन्य तेरा सब कुछ। मैं राजा था, विचार नहीं किया और आवेश में आकर के मैंने कहा 500 मन जो भी मुनराज है उन सबको लाओ और कहानी में पेल दो। कौन का प्रसंग सुना रहे थे भैया? ये तो प्रसंग में तो प्रसंग याद आ गए। गानी में पिलते जा रहे थे बे मुनराज, वास्तव में तो मुझे कहानी में पिलना था। एक ओर से वो शरीर जू जू करके चलता आया, फिसरा आया उस गन्ने में गन्ने की तरह, और वो केवल ज्ञान ले रहे। शरीर की ऐसी दशा हो मुनराज, केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष जा रहे थे। उसके बाद मैं नरक गया, अनेक दुर्गतियों में गया, इनकी विराधना करता करता भटका भटका आज ये दंडक वन नहीं था, ये तो दंडक राज्य था। वही एक मुनिराज जो हार के लिए आ रहे थे नगर में, लोगों ने कहा लौट जाओ आप, लौट जाओ। राजा निर्दयी है, 500 मुनिराज को घानी में फेर दिया है, आपका पूरा संघ चला गया है। होन मुनिराज को चित्त क्षोभित हो गया, आश्चर्य की बात है, जिनके ऊपर उपसर्ग था उनका चित्त क्षोभित नहीं हुआ। वो जब राग आया हमारा संघ, उसी समय क्रोध के आवेश में पुतला निकल पड़ा, पूरा नगर को भस्म करता हुआ, पूरा राज्य को भस्म करता हुआ, मुनराज को भस्म कर दिया। बहुत दिनों तक यहाँ तो कोई एक पत्ता भी नहीं उगा। बाद में चरण रिद्धि मुनियों का विहार हुआ, तब ये वृक्ष निकलने लगे तो ये दंडक बन हो गया। ये प्रसंग है। विचार करता हुआ आंखों में अश्रु झरने लगे उस जटायु पक्षी के, पश्चाताप बरतने लगा, तब तक तो महाराज जी का हार हो गया। बीच में आ जाता तो क्या होता, अंतराय हो जाता। देखता देखता अब मुनराज का हार हो गया और वह जाने की तैयारी में थे, तब तक क्या होता है, वही विचारता, वरे करके विराध ना इनकी मैंने, कितने दुख पाए, कहां तराजा कहां गिद्ध पर आए दुखदाए। पहले तो मैं राजा था और आज अब इनकी चरण शरण में आई, पापों को काटे भाई, श्रद्धो बाओ भरे अश्रु नैन में आया चरण में, मुनिवर के सुखदाई। आंसू में आंसू जराता जराता सोचा, जिनकी विराधना करके पाप हुआ है उनकी आराधना करके ही पाप कटेगा, ये निर्णय करके वह जटायु पक्षी ओ मुनराज श्री के चरणों में आ गया है। वरे अश्रु नैन में आया चरण में, मुनिवर के सुखदाई, सबने हटाया नहीं अटा लागे, गुरु चरण सुखदाई। चरणों दक्के परस स्वर्ण सिखाए हुई बाई, क्या हुआ भाई, जैसे ही चरणोदक मुनराज के चरणों में आया और गांव चरण गंधोदक का स्पर्श हुआ तो वो विकृत रूप था, वो सुंदर हो गया। कैसा हो गया, चरणोदक के प्रसाद से उसके दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए,
पैर नीलमणि के समान हो गए, शरीर नाना रत्नों की कांति से युक्त धारक हो गया, चोंच मूंगे के समान दिखने लगी। कदम प्राण में उड़े, मानो पूरा एकदम सुंदर सुंदर, जब रूप ही उसका अद्भुत हो गया। वो जब चरणों तक के प्रसाद से मिट गया विकृत रूप, तो क्यों नहीं मिटेगा अब मिथ्या तुम्हा दुख रूप। ये मुनराज के चरणों के प्रसाद से जब मेरा ये विकृत रूप मिट गया, तो अंदर का विकृत रूप कौन सा मिथ्यात भाई क्यों नहीं मिटेगा। ला लगा कि टक टक निरखे गुरु को अनन्य शरण वाई, हृदोवाओ। रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने वहां पूरा प्रयत्न किया उसको हटाने का मुनराज के चरणों से, वो नहीं हटा। हाँ, ऐसे विनय प्रयत्न किया हटाने का, हट जाए भाई किधर से आ गए विशाल पक्षी मुनराज को अंतराय करने के लिए, हटाया लेकिन वो नहीं हटा। और थोड़ी देर बाद तो उसका रूप ही बदल गया। वो आश्चर्य हो रहा है क्या है चमत्कार मुनराज का। और फिर भाई आंखों में आंसू झराता हुआ देखने लगा। रामचंद्र जी बोलते हैं ये कौन है भाई। महाराज सुनाया पूरी कथा उस प्रसंग में। और अब मुनराज को आंखन में आंसू भर भर के देख रहा है कि हे महाराज बहुत दंड पा लिया, अब दंड से बचाओ। आपके बिना कौन दंडों से बचाएगा, आप ही हमें बचा सकते हो। मुनिराज श्री बोले भगवान आत्मा निर्दंड है, उसको भूलना दंड है। नियम सार में आया ना निर्दंडो, निर्दंड है, निर्द्वंद है, निसल है। भगवान आत्मा निर्दंड है, उसको भूलना दंड है। रे भव्य, सबसे बड़ा अपराध तो तूने अपने प्रति किया है। तूने अपने को आत्मा नहीं जाना तो परमात्मा को भी नहीं जाना। जो अपने को आत्मा जानता है वही परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है वही आत्मा को जानता है, और जो आत्मा और परमात्मा दोनों को नहीं जानता है वह तो बहिरात्मा होता है, अंतरात्मा नहीं होता है। जो जीव को जानता है वही अजीव को जानता है, जो जीव और अजीव दोनों को नहीं जानता है वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। आचार्य मुनिराज की ओर देख रहा है टकटकी लगा करके, महाराज आप ही शरणो, आंखों के अश्रु बंद नहीं हो रहे। हे महाराज बचा लो, बहुत दुख पाए, नरक में छटपटाया, एक बूंद नहीं मिली पानी की, अनेक बार पशु गतियों में दुख पाता रहा, नरकों में जाता रहा, आज भी गिद्ध की पर्याय में बहुत पाप कर लिए महाराज, अब पुनः नरक निगोद में जाने की तैयारियां चल रही हैं। हे महाराज आज बहुत दंड पाए, अब हमें बचा लो भगवान, आंखों से अश्रु जल रहे हैं, मैंने आपकी विराधना की थी। तो मुनिराज क्या बोले, बोले श्री गुरु छोड़ो पक्षी पश्चाताप दुख दाई। पश्चाताप कर रहा था भानु भैया, तो मुनराज क्या बोले, पश्चाताप छोड़ो, पर्यायो से पार निहारो ज्ञायक प्रभु सुखदाई। क्या बोले, ऐ पर्यायों से पार हो जाओ, भगवान परमात्मा विराजमान है, उसके आश्रय से पाप मिटे, अनन्य शरण सुखदाई, श्रद्धो भाओ द्याओ ज्ञायक। महाराज छूट नहीं रहे बेयाद हैं, वो दंडक के राजा के भव में जो पाप किए थे मुझे तो बार बार महाराज भाई याद आ रहे हैं, अपनी आवाज में वही प्रकट करना चाह रहा है। मुनिराज तो अवध ज्ञानी है, सब जान रहे हैं उसके हृदय का भाव। मुनिराज क्या बोले हैं, प्राग भाव है भूत काल का चिंता दूर करो। समझ गए उस पर्याय का, ये तो रटे होंगे विषय, तो भैया भाई साहब के प्रिय विषय है ना। प्राग भाव है भूत काल का चिंता दूर करो, शुद्ध बुद्ध भगवान स्वयं हो,
अंतर में अनुभवो। क्या बोले? अब वर्तमान को देखो, वर्तमान में वर्तते हुए परमात्मा को देखो। क्यों भाई? आप कौन हो? अभी पूछा जाए किसी से भी, बोलो भाई कौन हो आप? भैया चश्मा वाले आत्मा हो ना, वर्तमान में कौन हो? वर्तमान की पूछ रहे हैं, वर्तमान में कौन हो? हैं? आप कितने ज्ञानदारी हो? जल्दी देर मत लगाओ भैया, 10 बज गए सब लोग उठने लगेंगे। हैं? कितने ज्ञान है आपके? एक ज्ञान, ठीक है। वैसे ज्ञान कितने? वर्तमान में, वर्तमान में बोल रहा, देखो हम वर्तमान में हैं? बोलो भाई, बोलोगे तो उत्तर दे पाएंगे। हाँ, वर्तमान कहती पर्याय याद आती, पर वर्तमान ये एक बोले आप वर्तमान में, वैसे कौन के आत्मा और वर्तमान में कौन के मनुष्य? वैसे कौन कितने ज्ञानदारी कि हम तो सहज ज्ञान, सहज ज्ञान और वर्तमान में के मतीसुत। अरे वर्तमान में सहज ज्ञान का वर्तमान है कि नहीं? जब वो वर्तमान में नहीं है तो फिर क्या है? पकड़ में आया कि नहीं आया? वो वर्तमान में है कि नहीं है? वो वर्तमान में वर्तता वर्तमान, भगवान कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं उसको। कहने का तात्पर्य है जब हमें वर्तमान याद आता है तब इतना ही याद रह जाता है। अरे भगवान है तो वर्तमान में जो भगवान है वो वर्तमान में भगवान है कि नहीं? क्यों भैया नहीं आ रही सचिन समझ? जो भगवान है आत्मा हो तो वर्तमान में, हाँ वर्तमान में जब आत्मा की दृष्टि से देख रहे तो आत्मा का वर्तमान अनात्मा रूप कैसे हो जाएगा? भव्य भूत को याद मत करो, वर्तमान में वर्तते परमात्मा को देखो। किससे कह रहे हैं? हाँ अपन से तो कह नहीं रहे है, हो गया पूरा उद्देश्य। जटायु पक्षी से कह रहे तो वो ही सब दर्शन लेगा है? क्या बोले? शुद्ध बुद्ध कथा का प्रसंग में तो आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा भैया, लेकिन वो कथा के माध्यम से हमको कह रहे हैं, है ना? शुद्ध बुद्ध भगवान स्वयं यो अंतर में अनुभवो, अंतरे मुखी पुरुषार्थ जगाओ परमानंद दाई श्रद्धो भाव। मुनराज जाते जाते उसको शुद्ध अनुभव कराना है ना, किसको उपदेश चल रहा है भैया? जटायु पक्षी सामने बैठा है ना, किनके सामने बैठा है? दो मुनराज श्री के सामने, पाप करके आया है, महापापी है। वर्तमान में देखें तो उसको पर्याय की अपेक्षा है, हम तो भैया निकांत वाले हैं, वर्तमान में जटायु की पर्याय में है, देखे तो पापी है, लेकिन अब भगवान होने वाला है। मुनराज उसको द्रव्य दिखा रहे हैं, देखो तुम अपनी पर्याय को क्या दोष बताओगे तो गुरु निर्दोष तत्व को दिखाएंगे, और तुम ही मानने लगो पंडित जी के साथ जाओ। पंडित जी बोले और कैसे हो? पंडित जी बस भगवान आत्मा है हम तो, हैं और कछु? बस जाना नारा जानने में आ रहा है, पूर्ण है परमेश्वर है। उन्होंने कही जाओ। अब बचा क्या तुम्हारे लिए? अरे पंडित जी अब ये बातें करते हैं अनुभव नहीं होता, जो बात करो तो ठीक। कोई भैया बैठे उनके पास में हमारे सामने कि हमने थोड़ी अच्छी चर्चा हो जाएगी, पंडित साहब थोड़ी अनुभव संबंधी बात करनी। पंडित साहब उपाय बताने लगे, इस प्रकार का अंतर चिंतन किया करो, गायक हूं बुद्ध हूं एक हूं, और बहुत सूक्ष्मता से चर्चा चल रहा है। तब तक वो बोले साहब ये भी तो विकल्प है। मौन हो गए, बोले साहब गलती हो गई साहब, आप नाराज की क्या बात है? जब तुमको मैं क्या या कहूं ये भी विकल्प दिख रहा है तो तुम निर्विकल्प हो गए, अब हम क्या बात करने लगे? गुरुओं के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करो। हाँ वहां जाकर के मैं तो ज्ञायक हूं प्रमत्त प्रमत्त से पार हूं पूर्णानंद की खान हूं, अब ये क्या बोलने लगे भैया? जब तुम ये कहोगे भैया ये बातें तो हमने सुनी है महाराज, लेकिन पर्याय की तन्मयता तो हमारी छूटती नहीं है, हमारे अंदर जो दोष चल रहे, शिष्य की भाषा पर्याय की होती है, तब गुरु महाराज द्रव्य दृष्टि से बोलते। जब यही कहने लगता कि भगवान वो तो भूत का अभाव है और काय का पाप की आत्मा में क्या पाप होते हैं क्या? अगर जटायु ऐसे बोल दो तो महाराज जी क्या कहते? जाओ भैया
तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें क्या समझाने लगे। लेकिन वह रो रहा था। पंडित जी कहते हैं अपनी दोषों पर रोना ही नहीं आया है तो दोष दूर कहां से होंगे। तो पहला चरण, दोष दोष नहीं लगते हैं तुमको तो दूर कहां से होंगे। मनराज क्या उपदेश दे रहे हैं, तुम्हारे यहां खूब गाता चलिए। अवदेश प्रष्टे अनन्य नियते अवशेष अनसंयोग अरसे अरूपा गंदे अव्यक्त चेद न गुण से योग नहीं प्रमत्त नहीं आप्रमत्त गुण भेद पारवाये श्रद्धो बाओ द्याओ ज्ञायक पर। तीन लाइन में तीन गाथा है तो मुख्य मुख्य है, बल्कि चार। अवध स्पृष्ट अरसरूप 49 नहीं प्रमत्त अप्रमत्त गुण भेद से पार, समझ गया ना कितनी गाथा हो गई, चार गाथा है। खोजना सुनो उपदेश सुदने का सब दुख विसर गया हुआ सुअंतर मुख अंतर में आनंद बरसेरा। बस आ उपदेश सुनता 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 आप ग्लानी मिट गई, ये शब्द निकल रहे थे, यहाँ शब्दातीत परमात्मा दिख रहा था, वाचक शब्दों से वाच्य भगवान को ग्रहण करके अंतर्मुख हुआ और आनंद झरने लगा। क्या हो गया, अपन कथा ही सुनते रहे उनको तो हो गया। मानो हुआ अभी ही सिद्ध बाए और सुखदाए सब कर्म पल संन्यास की बाबे ना नचाए। क्या वह नाच रहा है, वो बाहर पुराणकार कह रहे हैं बाहर में नाच रहा है, और अध्यात्म में समय सार कह रहा है अदनर नाच रहा है, कर्म फल संन्यास की त्याग की भावना को नचा रहा है। ने पक्ष से अतिक्रांत ज्ञायक के अनुभव में आए फिर श्रावक के भी व्रत लिए मुनिवर से सुखदाई शांत भाव हुए। पंचम गुण स्थान हो गया, क्या ले लिए, श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए अनुव्रत। रामचंद्र जी का कौन सा गुण स्थान, चौथा, और जटायु का पात्र मिल गया। पात्र की भावना आई थी ना, हार दान करा करके भोजन कैसे ग्रहण करे तो पात्र मिल गया। शांत बाबुए अतिन्द्रिय आनंद शांत बाबुए अतिन्द्रिय आनंद और जरता मानो कोई योगी बैठा ध्यान करता। ऐसा बैठ गया जैसे कोई लखो सुज्ञायक की महिमा अंतर मुखे ओ भाई श्रद्धो बाओ द्याओ ज्ञायक बोले। और मुनराज के हाथ जोड़कर बोला महाराज मुझे आज्ञा क्या है। अविचेन दारा भाई ज्ञान से भेद ज्ञान भाना। क्या आज्ञा दी, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होए ना गुरु आज्ञा श्रोधार कर हर साया सुखदाई श्रद्धो बाओ। बोले मुनिवर सीते ये पक्षी श्रावक हो गया। मुनिराज को बड़ी करुणा, क्या बोले सीता जी से, सीते ये पक्षी श्रावक हो गया, आप पालन करना इसका, यह शुद्ध भोजन नहीं करेगा, प्रतिपालना इसकी करना ये पात्र मिल गया। तुम कह रहे थे पात्र नहीं मिला, पात्र नहीं मिला, मिल गया पात्र। देख कर आज्ञा श्री मुनिवर ने व्यार किया भाई श्रद्धो पोत्र बत पालन करते हैं उसका सुखदाई
नाम रखा जटायु लागे सबके ही भाई। नाम क्या रखा? पालन कैसा कर रहे हैं? पुत्र जैसा पालन और पात्र जैसा आदर। पुत्र जैसा पालन कर रहे हैं और आदर कैसे दे रहे हैं? क्योंकि जब हार भोजन का समय होता तो रामचंद्र जी कहते पहले जटायु को बुलाओ, पहले उसको हार दान कराते, फिर स्वयं करते। नहीं तात, नहीं, तुम पंचम स्थानवर्ती हो, तुम हमसे बड़े हो, उसका आदर करते और जंगल में मंगल करते। कैसे जंगल में मंगल करते? सीता जी ताल का शब्द करती प्रभु भक्ति रचाए, रामचंद्र अजु लक्ष्मण जी भी साथ निभाए। बांध के घुंघरू जटायु वहां नित्य करे भाई, श्रद्धो वाओ द्याओ ज्ञायक। सीता जी भक्ति गा रहे, रामचंद्र जी ताल बजा रहे हैं, लक्ष्मण जी और वो कर रहे हैं, और जटायु करके अपने घुंघरू बांध ले पैरों में और नाच करे, जंगल में मंगल हो रहा है। और ऐसा वर्णन चलते चलते बहुत दिनों के बाद में एक दुर्घटना घट गई। खरदूषण के साथ युद्ध चल रहा था। आपका वो जो कैसो चल रहा था, ये तो भैया पूरे पुराण जब बांचे या तुम बांचो तब समझ में आएगा। तो लक्ष्मण जी गए थे और लक्ष्मण जी कह के गए थे कि मैं नरसिंहनाद करूंगा। रावण खरदूषण की सहायता के लिए जा रहा था, उसने विद्या बल से जाना कि ऐसा कह के गए हैं लक्ष्मण जी। उसने सिंहनाद किया कि भैया मेरी रक्षा करो, भैया मेरी रक्षा करो। तो रामचंद्र जी अपने पद्म पुराण में जो प्रसंग है वो ये है, वो मर्यादा भी यही है, समझ में। रामचंद्र जी सीता जी के पास में थे, भाई की आवाज सुनी और छोड़ करके हैं कहा सीते तुम यही रहना, भैया लक्ष्मण की आवाजें आ रही हैं, मैं जाता हूं उसकी सहायता के लिए। उधर रावण हरण करके ले गया सीता जी को। हैं क्या होता है? खरदूषण के योद्ध में गए राम लखन भाई, आया रावण हर गया ले, हर के ले गया सीता सती को दुखदाई। तवे जटायु रावण से भी लड़ता है भाई, और बार बार चौंचे दे दे करके और रावण को घायल करने लगा। अपने पुराण बहुत वर्णन आया, बार बार दे, बार बार चौंचे, रावण घायल सा होने लगा। वो सोचने लगा ये तो मैं इससे लड़ता रहूंगा, जब तक ये करता रहेगा तब तक तो श्री राम लौट करके आ जाएंगे। तो उसने ये अपना एक झपाटा विद्यावल कैसा दिया, अब पक्षी तो पक्षी था, और रावण बलशाली है, इंद्र जैसे विद्याधर को बस करने वाला, उसने एकदम फेंका तो उसके उनके दोनों पंखे गिर गए और जाकर के जमीन पर गिर गया। भगवान आत्मा का याद करने लगा, धर्मात्मा की सेवा के लिए मैंने प्राण जिंदरम तेरा समझामरम तेरी रक्षा में प्राण बीत। जटायु सोचता मैं बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन माता की रक्षा में अपने प्राण तो दे दूंगा, कम से कम मैं जानता हूं रावण को कैसे बच, लेकिन अब ये माता की रक्षा में प्राण तो अर्पण कर दूंगा। और जाके जमीन पर गिर गया, मुनि राजो को याद करने लगा, अजर अमर स्वरूप को याद करने लगे। तभी श्री रामचंद्र जी आए, खोजते सीता नहीं दिखी, मूर्छित हो गए। अपने आप ही ऐसा ही प्रसंग आया है, कहीं वृक्षों से पूछने लगे, कहीं पशुओं से पूछने लगे, हैं, और पूछते पूछते दुखी अवस्था में किसको देखा? श्री राम ने निज कष्ट विसर कर संबोधन की ना। इधर मूर्छित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, और उसी काल में जटायु को देख करके देखा और अरे लक्ष्मण इसको संभालो, हे भगवान आत्मा तुम अजर अमर हो, तुम तो साधक हो, तुमने तो व्रतों का पालन किया है, यही काल है व्रतों को सार्थक करने का। ऐसे कष्ट के बीच में भी रामचंद्र जी अपने कष्ट को बुला करके जटायु को संबोधन करने लगे, और संबोधन करते करते अजर अमर स्वरूप को ध्याते ध्याते भय उसने मुनराजों को याद करते हुए देह छोड़ी
पाया पंचम स्वर्ग विमान पुण्य का फल वाई वेद ज्ञान के बल से वर्ति विरक्ति सुखदाई सम्यक दर्शन के पल से सम्यक दर्शन वहां भी नहीं पसने देता भाई तो वाओ देखो महिमा शुद्धात्मा की ऐसा पक्षी भी तेरे गया पंचम स्थानी संकेत हो गया एकाद भव धारण करके मुख चला जाएगा हैं अता जानो अब आत्मा ये अवसर है महा बाओ निर्मल वेद ज्ञान बवि परमानंद बाई श्रद्धो बाओ ध्याओ ज्ञायक परमानंद दाई सुनो जी मंगल जैन पुरा सात कोणियों से राज्य कैसे प्राप्त करेंगी कैसे पुरुष का वेश धारण करेंगी और कैसे साधना करेंगी और अब एक और आश्चर्य आपको बताएं क्या जहां राज्य प्राप्त करेंगी वहां भी एक घटना आएगी दूसरा आश्चर्य बताएं कि अब वो मिलेंगी अपने पति से तो कैसे लड़ेंगी कि तुम तो छोड़ के चले गए थे लो सात कोणी को राज्य ऐसे कहेंगी कैसे कहेंगी वो सब विनय भक्ति और सरलता और महासती के संकटों से निकलकर कैसे यारिका जी बनेंगी अंतिम कथा का आज सुरसुंदरी कथा और साथ ही साथ हम इतने से नहीं सुनने से संतुष्ट हम होने वाले नहीं हमारे यहाँ तो देखो भैया कथाएं बांची जाती हैं तो एक जगह भैया कोई अपने जैनितर भाई भी सुनने आते थे तो भाई हमसे आके कहते के पंडित जी तुम कथा के बाद का दक्षिणा दे दो कथा के बाद में तुम क्या दक्षिणा लेते हो हमने कहा लेते तो हम दक्षिणा के बिना तो हम जाते नहीं क्या दक्षिणा लेंगे यहाँ एक बॉक्स रख देंगे आपने कथा से क्या शिक्षा ली अगर एक बहन ने भी एक भाई ने भी कोई शील के संबंध में अनेक अनेक जो सुना हम कभी चौराहों पर नहीं नाचेंगे हम कभी अपने माता पिता को कलंकित करने वाले कार्य तो धन्य भी जीव होते हैं जो ब्रह्मचर्य धारण कर पाते हैं करते हैं और जैन शासन की शोभा बढ़ाते हैं कम से कम हम गृहस्थी में रह करके तो भगवान के शासन की शोभा बढ़ाएंगे शील के संबंधी स्वाध्याय के संबंधी अन्य जो भी नियम आपने कक्षाओं से कथाओं से सीख करके लिया है शिक्षा ली है उसका आज से अंतिम दिन नहीं एक बॉक्स यहाँ पर रख देंगे माताएं बहने भैया लोग जिनने जो सीखा हो वो रख देंगे वो ही हमें पंडित जी साहब को दिखाने के लिए वो रहेगा कि देखो भाई आप लोगों ने क्या ग्रहण किया पहले कथाएं होती थी और रामचंद्र रावण ने जहां प्रतिज्ञा ग्रहण की तब सब साधर्मी इकट्ठे थे पुराणों में ऐसा लेते थे पहले ऐसे वाचना करते भैया रावण जी प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो अपन भी लो तो कोई ने कुछ प्रतिज्ञा ली कोई ने किसी प्रतिज्ञा ली तो अपने बरनी जी सुन रहे थे पद्म पुराण तो बैठे बैठे उनने भी प्रतिज्ञा करी कि आज से रात्रि भोजन भैया अजैन थे जैन नहीं थे और हम जैन धर्म को ही श्रद्धा रखेंगे तब उन पर बड़ी आपत आई कह रहे हमने तो भैया रावण की प्रतिज्ञा ग्रहण करते समय प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली थी तो ऐसे ही आप भी इन सब कथाओं से शिक्षा ग्रहण करके कोई नियम संयम ग्रहण करें पंडित जी कहते हैं पूजा में चार जन बढ़ गए तो ये समझो कि हमारा स्वाध्याय सार्थक हुआ है स्वाध्याय दैनिक चलने लगा तो ये स्वाध्याय सार्थक हुआ क्योंकि ये तो प्रेरणा की मुक्तता है लाभ तो आपको दैनिक कक्षाओं स्वाध्याय में मिलेगा ओम नमः हाँ भैया का कहना है नियम आप रखो और एक पर्ची आप अपने पास भी रखना पास आ जाएगी इधर आ जाएगी तो उसकी